का जो काफिला है वो रवा दवा है और चीनी आला सतह वक्त जो है वो भी चीनी वजीर आजम के हमरा जो है वो मौजूद है, जिसमें वजारत खारजा, तजारत, नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन और चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एजेंसी के आला अफसरान और वजरा जो हैं वो शामिल हैं और वफूद की सतह पर भी मुजाकरात होंगे, बातचीत होगी, वन टू वन मुलाकातें जो हैं वो भी शेड्यूल हैं। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ और वजीर आजम ली क्यांग जो हैं वो अपने अपने वफूद की क़यादत करेंगे और पाक चीन इक्तसादी और तजारती ताल्लुकात समेत सी पैक के तहत तआवुन पर जो है वो बातचीत की जाएगी और दोनों रहनुमाओं के दरमियान जो है वो इलाकाई और आलमी पेशरफ पर जो है वो तबादला ख्याल किया जाएगा। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ बड़ी अहम है उसमें कि वैसे अगर कोई काफिला होता है वो बड़ी स्पीड के साथ, तेज़ी के साथ जो है इन सड़कों पर रवा दवा होता है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बड़े धीमे अंदाज में ये काफिला जो है ये वो आगे की जानब बढ़ रहा है, जिसका मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि वो जो तमाम खैर मकदमी बैनर्स और जो वेलकम करने के लिए अपने मौजूद मेहमान को तमाम तर इंतजाम किए गए हैं वो इन इंतजाम को जो है वो ऑब्जर्व कर सकें। जी बिल्कुल, और चीन जो है वो खुसूसन पाकिस्तान के अवाम के साथ भी अपने ताल्लुकात को गहरी नज़र से देखता है। इसी हवाले से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अपने नुमाइंदे असद यार खान से। जी असद यार खान, तारीखी लम्हात हमने इस वक्त विटनेस किए, पाकिस्तान टेलीविज़न अपनी बराह रास्त नशरियात जो है वो अपने नाज़रीन को भी दिखा रहा है, किस तरह से देखते हैं आप इस प्रोटोकॉल को, गैर मामूली इंतजामात को, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपनी काबीना के अहम वज़रा के हमरा मुअज़्ज़ज़ मेहमान के इस्तकबाल को? जी यकीनन, आज जो चीन के वज़ीर आज़म ली चांग का इस्तकबाल हुआ है वो दोनों मुल्कों की जो मजबूत दोस्ती है, जो दोनों मुल्क एक दूसरे के काबिले एतमाद साथी हैं, ये उसका अकासी थी। और जिस तरीके से उनका खैर मकदम किया गया पाकिस्तान में, 11 साल बाद चीन के वज़ीर आज़म पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं। इससे कबल 2013 में चीन के वज़ीर आज़म जो है वो पाकिस्तान आए थे और अब ये 11 साल बाद जो है वो चीन के वज़ीर आज़म आए हैं। 2015 में चीन के सदर शी जिनपिंग पाकिस्तान आए थे और जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो बड़ा मंसूबा है चीन पाकिस्तान इक्तिसादी रादारी, उस पर अमल दरामद का आगाज हुआ था। चीन और पाकिस्तान की जो ताल्लुकात हैं तारीखी एतबार से जो हैं वो